देखिए पोटेंशियोमीटर जो होती है इसका प्रिंसिपल होता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब अगर बोला जाए तो वी इक्वल टू कोई कांस्टेंट अगर आप लेते हो तो के बाय एल, के इंटू एल, तो कांस्टेंट के इक्वल टू हो जाता है वी अपॉन एल। तो वी अपॉन एल ये कांस्टेंट रहेगा पूरे यहाँ पे पोटेंशियोमीटर। मतलब एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि लेंथ आप जितनी इंक्रीज करोगे ना उतना ही पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ही अच्छा मेजरमेंट पोटेंशियोमीटर देता है। और यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, डायग्राम में क्या क्या चीज़ है, देखो आप दो बैटरी ले रखी है। ये जो डायग्राम है पहला वाला जो डायग्राम है इसमें कंपेरिजन ऑफ ई एम एफ ऑफ टू सेल्स, प्रैक्टिकल का भी ये पार्ट है। तो ई वन अपॉन ई टू ये हमें चाहिए होगा, ठीक है, ये हमें चाहिए होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि ये जो पूरा डिस्टेंस है उसको भी देखना होगा कि डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है। देखो आप यहाँ पे एक चीज समझ लो कि जैसे ये यहाँ से यहाँ तक की जो है ये लेंथ 100 की है, ठीक है ना, ये चीज आप समझ लो कि ये 100 की है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यहाँ ए पे 0 से स्टार्ट हुआ है और 2 पे पहुंच के ये 100 सेंटीमीटर हो गया। और फिर अगर 100 से आप शुरू कर रहे हो तो 100 से 200 इस जगह पे आते जाते 200 तक का, फिर ये 200 से 300 की लेंथ। तो 100 100 सेंटीमीटर का मतलब ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट है 300 से 400, एंड देन 400 से 500, 500 सेंटीमीटर, देन 500 सेंटीमीटर से 600 सेंटीमीटर। अगर वायर आपने, इसका मतलब वह कितनी वायर ली हुई है, आप देखो 1 2 3 4 5 6, 6 वायर ली हुई है। तो 6 वायर ली हुई है, आप कहोगे कि सर इसकी मेजरमेंट क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे इसको क्यों छोड़ रखा है। तो मैं कहूंगा कि ये जो इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि ये मेटल का स्ट्रिप है, मेटलिक स्ट्रिप है, जो कि मैंने वहां पे भी दिखाया था मीटर ब्रिज में, जिसकी मैंने बोला था कि इसकी थिकनेस ज्यादा होती है। तो इसलिए ये मेटलिक स्ट्रिप है, इसलिए इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। इसमें आपके पास जो कनेक्टेड है, देखो ए से कनेक्टेड है, ए पे बैटरी का, दो बैटरी आपके पास कनेक्टेड है ई वन और ई टू, ठीक है। और ए से ही आपको वहां पे, क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड राइट इट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन तो आपने ड्रॉ कर ही दिया, एंड इट्स वर्किंग, ठीक है। तो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ये सब चीजें इसमें आ जाएगी। तो ए को आपने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे बैटरी से, और बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर रखा है रियोस्टैट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है रियोस्टैट। मैंने आपको वीडियो कुछ आपको शेयर किया था रेजिस्टेंस से रिलेटेड कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रियोस्टैट क्या होता है, मैं फिर से एक बार शेयर करूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। और इसके प्रैक्टिकल्स की भी वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, और भी अच्छा हो जाएगा। ये की है यहाँ पे आपने लगा रखा है की। अब मैं यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करने वाला हूँ वो देखो आप, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहला काम, एक काम करूं मैं, वन जो पहला बैटरी है आपका E1, E1 के 1 पॉइंट से 3 पॉइंट को कनेक्ट कर दूं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, E1 के 1 पॉइंट को, इसके इस 1 को 3 से आप कनेक्ट कर दो, मैं ये चाहता हूं। तो ठीक है, अगर 1 को 3 से कनेक्ट करना चाहते हो तो सर्किट कैसे बनेगा वो देखो आप। सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ए E1 1 3, ये 1 3 कनेक्ट हो चुका है अब 9, देन जी, और पहले कंडीशन में आपने यहाँ पे जॉकी रखा हुआ है, जॉकी को टच कराना होता है, जैसे मैंने बोला जॉकी को आप हर एक पॉइंट पे टच कराते हो, और देखे हो, देखना होगा आपको कि कहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो आती है, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ पे जीरो आती है ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आपने यहाँ पे एक लूप कंसिडर करने जा रहा हूँ मैं फिर से, वो लूप है देखिये, इन लूप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन लूप। अब कौन सा लूप है ये आप देख लो, अब ये लूप आपका मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, दिस वन लूप इज ए, देन E1 बैटरी का E1, देन 1, और 1 को आपने 3 से कनेक्ट किया हुआ है, तो यहां पे उसको कनेक्टिविटी के लिए मैं एरो मार्क दे रहा हूं कि आपने 1 को 3 से कनेक्ट किया, 1 3, देन गैल्वेनोमीटर का कनेक्टिविटी है उसके बाद जी,
और जी के बाद फिर एन वन, एन वन पॉइंट पे जहां पे कि आपको नल पॉइंट नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, और एन वन के बाद देखो आप इसके बाद आप इस तरफ मूव करोगे, यहां से ऐसा इस तरह से मूव किया जाएगा और आप फिर से पहुंच जाओगे आप ए पॉइंट पे, तो एन वन इंटू ए, ठीक है, तो एन वन इंटू ए, तो ये एक लूप हमारा कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। और देखा जाए तो मान लो कि ए से यहां तक ये 100, देन ये 100, देन ये 100, तो अगर 300 और यहां से यहां तक का अगर 30 है, तो 330 पूरी लेंथ जो वायर की होगी 330 सेंटीमीटर की कंसीडर की जाएगी। इस तरह से हमें लेंथ समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन क्या होता है कि बच्चे जो लेंथ लेते हैं ना वो इसको यहां से कंसीडर कर लेते हैं, जिससे ये 70 अगर ले लिया तो गलत हो जाएगा, तो इस चीज पे ध्यान देना है। अब मैं यहां तो सर 600 तक ही होता है ना ये, क्या बोला 600, ऐसा नहीं है 600 तक, जितनी लेंथ बढ़ाई जा सके। लैब में नॉर्मली चार लेंथ वाली वायर मिलती है, तो 400 सेंटीमीटर की होती है, जितनी लेंथ आप बढ़ाओगे उतनी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उतना ही अच्छा पोटेंशियोमीटर आपको यहां पे मिलेगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज फाइव, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हमने फाइव मान लिया। जैसे हमने रेजिस्टेंस पहले वाले मीटर ब्रिज में हमने रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो उसी तरह से यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ये जो कंसीडर है ये पर यूनिट लेंथ के लिए ही है, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो वायर के यूनिट लेंथ के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपकी कितनी है, फाइव है, तो ये फाइव आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि जी आपका जो वायर का लेंथ है जहां पे आप नल पॉइंट आप देखना चाह रहे हो, तो वो नल पॉइंट कहाँ पे है, तो नल पॉइंट देखो आप कहाँ पे है, ये वायर आप यहाँ से इधर से आए, ये मान लो 100 हो गया, देन ये 200 हो गया, देन ये 300 हो गया, यहां से यहां तक का मान लो 30 मैंने माना, तो 330 हो गया। तो यहां तक की लेंथ को मैं एक काम करता हूँ, अभी यहां तक की लेंथ को मैं मान लेता हूँ एल वन, ठीक है, पूरे इस लेंथ को मैंने कितना मान लिया L1। तो आपका जो ये लूप बन रहा है, इस लूप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने जो लूप में लिया है इसमें आप इधर से मूव करने की कोशिश करो, यहां से मूव करने, N1 से मैं मूव कर रहा हूँ, N1 से मैं A पे जा रहा हूँ, तो N1 से A पे जब आप जा रहे हो तो देखो क्या होगा, यहां तक की लेंथ कितनी है L1, और यहां तक की N1 से A तक का पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल होगा फाइ एल वन। ये क्लियर सी बात है कि पोटेंशियल जो ए एन वन का पोटेंशियल होगा, ए एन वन का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, फाइ एल वन का होगा। अब ये जो पोटेंशियल है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मूव करेंगे, और अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा आपको। देखो मैं लिख रहा हूं पहले, सबसे पहले फाइ एल वन पोटेंशियल ड्रॉप कहां से कहां तक की, ए से एन वन तक की, उसके बाद आपका ए जो है वो इसके बाद ये सर्किट यहाँ से ए से ई वन पे जा रहा है, ई वन के पॉजिटिव में टच कर रहा है, तो इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूँ, प्लस ई वन। उसके बाद ये आ रहा है इस तरफ मूव कर रहा है, और यहां से इस तरफ से मूव करता हुआ वन को थ्री में टच करता हुआ फिर गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो जीरो की है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो जीरो की है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो मैं अगर मूव करता हूं, मैं मेरा मानना है कि आप लेंथ इधर से ऐसे लेते हुए आ रहे हो, तो मैं ए से मूव करना चाहूंगा ताकि आपकी कन्वीनियंट और भी आसान हो जाए, तो मैं ए से मूव करूं, तो मैं ए से मूव करूंगा, तो ए से इस तरफ आप अगर आप जाओगे तो ए से आप उस तरफ जाके देखो कितना आपको मिलता है, ए से एन वन पे आ गए तो ये हो गया फाइ एल वन, ठीक है। फिर आप गैल्वेनोमीटर को टच कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे प्लस जीरो कर रहे हो, ठीक है। फिर आप गैल्वेनोमीटर से थ्री पे चले गए, थ्री से वन को कनेक्ट कर रखा है आपने, वन से आप ई वन को टच कर रहे हो, लेकिन ई वन के निगेटिव को टच कर रहे हो इस बार, तो माइनस ई वन, दिस वन इज इक्वल टू जीरो। इससे आपके पास एक इक्वेशन आ गया, फाइ एल वन इक्वल टू ई वन का एक इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन वन आप यहाँ पे कंसिडर कर दो कि ये इक्वेशन वन है आपका, तो इसको बॉक्स में ले लेते हैं, ये आपका जो है बॉक्स में ले लिया और इसको बोला इक्वेशन वन है, ठीक। उसी तरह से दूसरा मूव करते हैं, अब
सेकेंड मूव। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया यूनिट लेंथ के वायर की पोटेंशियल जो है वो फाइ है, तो एल वन लेंथ की वायर की पोटेंशियल कितनी होगी? फाइ एल वन होगी। यस सर। और यहाँ पे चूंकि करंट है ही नहीं तो V इक्वल टू आई आर करते हो तो यहाँ पर का तो पोटेंशियल जीरो हो गया गैल्वेनोमीटर का। और दूसरी ये जो बैटरी की EMF है ये भी एक पोटेंशियल की तरह ट्रीट करता है, तो नेक्स्ट पोटेंशियल ये है जो कि E1 का है। और टोटल सम जो होता है एक लूप में, ये लूप हो गया ए एन वन जी थ्री वन ई वन, ये सब का एक लूप हो गया, तो इसके इसमें नेट पोटेंशियल जीरो हो गया जो कि लूप लॉ से हमें पता है। नेक्स्ट स्टेप में मैं जो लेने जा रहा हूँ वो दूसरे लूप के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे लूप में मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको वो देखना कि लेंथ कितनी है। दूसरे के लिए मैंने इस बार कनेक्ट किया थ्री को टू से, मतलब टू को थ्री से कनेक्ट कर दिया। अभी इसका कनेक्शन हटा दिया, वन और थ्री का कनेक्शन मैंने हटा दिया और कनेक्ट किसको कर दिया, मैंने कर दिया टू और थ्री को कनेक्ट कर दिया। अगर आप टू और थ्री को कनेक्ट करते हो तो आपकी जो वायर की लेंथ है वो कुछ फिर से इस तरह से मूव करेगी, 100, 200, 300, 400 एंड देन 500, और बैलेंस पॉइंट आपको N2 पे मिल रहा है जब आपने E2 सेल लिया था, E2 सेल जब आपने लिया था तब की बात है ये, तो आपको यहाँ पे मिल रही है एक बैलेंस पॉइंट N2 पॉइंट पे। तो फिर से आपके पास लूप जो बनेगा, लूप बनेगा देखो A N2 G 3 2 E2 A, इस तरह के लूप पे अब काम करना है हमें। सेकेंड लूप में अगर हम देखें इन लूप A N2 G 3 2 E2 A जो मैंने ऊपर दिखाया था उस लूप में, तो उस लूप में आप देखो यहाँ पे इक्वेशन इसी लूप में यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि अब सेल जो कनेक्टेड है वो सेकेंड सेल कनेक्टेड है। तो A से N2 तक की लेंथ अगर हमारी L2 है, और जैसे मैंने दिखाया पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो है हमारा फाइ का है, तो ये A से N2 तक का पोटेंशियल होगा फाइ L2 का। और फिर जब A N2 तक पहुंच गए आप और N2 पे आपको नल पॉइंट मिल रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं रहा होगा, तो इसकी पोटेंशियल यहाँ पे उस समय में जीरो रही होगी। और फिर अल्टीमेटली आप थ्री और टू से होते हुए आप E2 पे पहुंचोगे तो ये माइनस E2 होगा एंड दिस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये सेकेंड इक्वेशन होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे अब लिख सकते हो कि फाइ एल टू इक्वल टू ई टू, ठीक है। इसको भी मैं बॉक्स में कर देता हूँ इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन आपका दूसरा इक्वेशन आपके पास रेडी है। तो ये दिस वन इज इक्वेशन टू, इक्वेशन वन पहले से आपने रेडी कर रखा है। अब इक्वेशन वन और टू को डिवाइड करोगे तो वन डिवाइडेड टू, अगर वन डिवाइडेड टू आप करते हो तो आपके पास आने वाला है एल टू बाय एल वन इक्वल टू ई वन बाय ई टू। अगर मैं एल टू बाय एल वन को पहले प्रेफर कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे मुझे ई टू को भी पहले प्रेफर करना पड़ेगा, तो ई टू बाय ई वन, तो ये रेशियो आ जाती है। और यही हमारा कंपेरिजन ऑफ ई एम एफ के लिए, कंपेरिजन ऑफ ई एम एफ टू सेल्स के लिए फार्मूला आ जाता है। इस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हो। हालांकि देखिए यहाँ पे पोटेंशियल जहाँ तक सवाल है इसके प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल पे आप दो तीन चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा आपको, कि एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर होनी चाहिए, स्टेडी करंट का फ्लो होना चाहिए। तब क्या होता है उस केस में जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ये इसकी प्रिंसिपल है।